सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भविष्य के निर्माण के लिए आज के कार्य सही तरीके से करने होंगे। डर कर ना जिए, अगर आप खुलकर जीने लगे तो सामने वाला डरने लगेगा। हर चीज का समाधान आपके अंदर है, बस उसे अच्छे से जानने की जरूरत है। दुश्मनों से तो हर कोई संभल कर रहता है, पर धोखेबाजों से ज्यादा सावधान रहें। पतझड़ जब आता है तो हमें ये सिखाता है कल फिर उस डालियों पर पत्ते लगेंगे। आज का पंचांग 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि दोपहर 1:20 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुष्य नामक नक्षत्र रात्रि 1:20 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्लेषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:54 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मकर राशि 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा, इसलिए परिश्रम करते रहे। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान ना हो, समय के साथ ठीक होती जाएगी सब। पारिवारिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। किसी खास व्यक्ति अथवा फोन के माध्यम से कोई विशेष जानकारी भी मिलेगी जो कि भविष्य में लाभदायक साबित होगी। सेहत में आ रहे बदलाव का असर काम और विचारों पर होगा। सेहत से जुड़ी हर एक बात पर ध्यान दें। शारीरिक और मानसिक थकान के कारण अधिकतर बातों में नाराजगी रहेगी। क्षमता होने के बाद भी काम बीच में रुकने की संभावना है। जो लोग आपके पक्ष को समझने के लिए सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों से अपेक्षा रखना गलत है, इस बात का ध्यान रखें। व्यापार से जुड़े लोगों को तुरंत किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। पार्टनर की उदासीनता को समझकर उनका साथ देने की कोशिश करें। आपको नौकरी से संबंधित कामों को लेकर किसी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है आज, इससे आपकी पदोन्नति होने की भी पूरी संभावना है। परिवार में किसी काम की शुरुआत को लेकर कोई टेंशन चल रही थी तो वह अभी दूर होगी। जीवन साथी को किसी से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में यदि देरी हो गई थी तो उनका विवाह पक्का हो सकता है। आपको अपने बिजनेस को लेकर कुछ नए बदलाव करेंगे जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। सावधानियां, घर के वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करना चाहिए। कोई बीती हुई नकारात्मक बात अपनी दिनचर्या पर हावी न होने दें। लापरवाही की वजह से लेन देन के मामलों में आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। नए वस्तुओं की खरीदारी से परिवारजनों के बीच खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम संबंध को भी विवाह में बदलने के लिए पारिवारिक स्वीकृति भी मिलेगी। आप जैसा रोमांटिक पार्टनर चाहते थे, आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है, ऐसा आपको लगेगा। बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने साथी को तलाश करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं हो सकती है क्योंकि अच्छे हमसफर इतनी आसानी से नहीं मिलते। इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार हैं। बात करते हैं करियर की। आज आप छवामार रहेंगे और उन्हें भी माफ करेंगे जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, चाहे वे आपके सहकर्मी हो जिन्होंने जलन की भावना से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, या आपका मालिक जिसने कभी आपकी बात नहीं सुनी और हमेशा से आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न की। आपकी वित्तीय स्थिति उच्च रहेगी, हालांकि आपको लाभ के लिए जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आज चोट लगने की संभावना बन रही है। आपको गिरने और दुर्घटना से बचने के लिए अतिरिक्त सावधान रहना होगा। डॉक्टर के पास जाना होगा। स्वास्थ्य की उपेक्षा ना करें, नहीं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आपको अपने करीबियों में से
भी किसी की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है। चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और समय पर सही कदम उठा लेने से आप आसानी से अपनी समस्याएं सुलझा लेंगे। आज का उपाय, आज पैसे उधार लेने या देने से बचें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।